कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ अटेंड करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप क्लास के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन है, आप क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहले आप वीडियो को रोकें और अपना आंसर कमेंट करें, फिर हमारा आंसर देखें। हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में 225 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में गेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर, ईशा अंबानी। आप वीडियो को रोके अपना आंसर कमेंट करें, फिर हमारा आंसर देखें कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ईशा अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो आप सबसे पहले वीडियो को रोके और अपना आंसर कमेंट करें, फिर हमारा आंसर देखें। क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो आपके सामने ऑप्शन है, गांधीनगर, मुंबई, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की? तो इसका आप हमें आंसर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, यूक्रेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका या फिर बेलारूस। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही आंसर का चयन करें और इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है, गौतम बोरा, डॉक्टर SA हसन, आलिया मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आलिया मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पे। तो आप वीडियो को रोके क्वेश्चन पढ़ें, अपना आंसर कमेंट करें, फिर आंसर हमारा देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप सही आंसर का चयन करें और इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना CFO नामित किया है? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें ताकि आपसे गलती ना हो। तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है, सिद्धांत मोती, इनमें से कोई नहीं, मोहित जोशी या फिर श्रीकांत वेटंगचारी। इसका राइट आंसर है श्रीकांत वेटंगचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं तो आप आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? इनमें से कोई नहीं, 26 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 27 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? आपके सामने ऑप्शन है, 34, 32 या 36 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। पहले आप वीडियो को रोके अपना आंसर कमेंट करें, फिर हमारा आंसर देखें कि इसका राइट आंसर क्या है। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने पूरी क्लास के दौरान कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका होगा स्क्रीन पे, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया? क्वेश्चन को एक बार समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ें ताकि आपसे गलती ना हो। तो आंसर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, गोपकर, TV सोमनाथन, बिमल कपूर। तो इसका राइट आंसर है
टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? और इसका आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं, सिंगापुर या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या है आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी जी ट्वेंटी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो है वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि इसका राइट आंसर है 0.6%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई? आपके सामने ऑप्शन है, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आप हमें बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको पता हो तो आप पहले वीडियो को रोके फिर इसका आंसर कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है ज्योतिरादित्य भूमि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारम्भ किया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें ताकि आपसे गलती ना हो। हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही आंसर का चयन करें। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं, राजनाथ सिंह या फिर श्री भूपेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है श्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है।